त्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे खोलिए, हाथों को वापस ले आइए। अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ये अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है। ग्रीवा की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास, पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए, हाथों को कमर पर रखें, श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाइए, श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाई और बाई ओर झुकाने का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाएं, श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं, श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाएं, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। दाई और बाई ओर मोड़ने का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाएं, श्वास भरते हुए वापस आई, अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाएं, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। गोलाकार घुमाने का अभ्यास, नेक रोटेशन, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को आगे की ओर झुकाएं और कंठकूप से लगाएं, श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की दिशा में घुमाएं, क्लॉकवाइज रोटेशन, श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे लाएं, अब श्वास भरते हुए सिर को त्रि दिशा में पीछे ले जाएं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, श्वास छोड़ते हुए वापस आएं, अब श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए, हाथों को पुनः अपनी जगह ले आए, आंखें बंद करके क्षण काल विश्राम करें। अब हम अभ्यास करेंगे स्कंद संचालन, शोल्डर स्ट्रेच। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाएं, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो, अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं, दोबारा श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, पूरा स्ट्रेच कीजिए, अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं, विश्राम करें। स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे, शोल्डर रोटेशन।
श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आई। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों पहियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएं। यह अभ्यास एक और बार दोहराए। अब विपरीत दिशा से भी ये अभ्यास दो बार करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए, विश्राम करें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर रखें। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए सीधा हो जाए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए सीधा हो जाए। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए सीधा हो जाए। हाथों को वापस लाइए, विश्राम करें। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास नी मोमेंट। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। और एक बार श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। नाउ वी प्रैक्टिस योगासना। पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। यह ताड़ासन की अंतिम स्थिति है। प्लीज मेंटेन द पोस्चर फॉर फ्यू सेकेंड्स। ताड़ासन शरीर को संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ियों को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए, विश्राम करें। अब हम वृक्षासन का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ें। दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास करें। जिन लोगों को बैलेंस नहीं हो सकते हैं, आप पैरों को जमीन पर रखने भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। बहुत सुंदर। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों को तालमेल में सहायता करता है। इट ब्रिंग्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे ले आए। अब बाएं पैर को भी मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं
और अपनी हथेलियों को नमस्कार हाथ मुद्रा में जोड़ी शरीर को पूरा स्ट्रेच कीजिए, सीधा कीजिए, आगे देखिए, निर्मल स्वच्छ मन, शांत मन। अब श्वास जोड़िए, छोड़ते हुए हाथों को और दाहिने पैरों को नीचे उतारें, विश्राम करें, रिलैक्स प्लीज। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें। जिन लोगों को कमर में दर्द है वो इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। कमर को खींचने का प्रयास करें, अपनी हथेलियों को पैरों के पंजे के पास रखें। ये पाद हस्तासन की अंतिम घंटी। पाद हस्तासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, पूरा स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाइए और विश्राम करें। अब हम अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखें, अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं और कमर को भी झुकाने का प्रयास करें। श्वास छोड़िए और सामान्य श्वास के साथ आसन के अंतिम हंत में रुकिए थोड़ी देर। ये आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आए, विश्राम करें। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई तक लाएं। दाएं पैर की पंजों को दाई तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाएं। दाई हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखें, पूरा स्ट्रेच करें। ये आसन लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने में बहुत सहायक है। इट इज वेरी यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अपने दाहिने पैर को पंजे को सीधा करें। अब बाएं पैर के पंजों को बाई तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाई तरफ झुकते जाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखें। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आई। अपने बाएं पैर को पंजे को सीधा करें। अब दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को भी वापस लाएं। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अब हम बैठ कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करें। बैठ जाइए। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए।
हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधा कर लीजिए। इसे दंडासन की स्थिति करते हैं। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए। अब हम भद्रासन का प्रारंभ करेंगे। पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी पेड़ियों को शरीर की तरफ ले आएं। शरीर को सीधा करें, सिर और मेरुदंड को। यह भद्रासन की अंतिम स्थिति है। भद्रासन पेट की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। धीरे से वापस दंडासन में आई, थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में हम चार आसनों का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर और गर्दन को सीधा रखें। ये वज्रासन की अंतिम स्थिति। वज्रासन पाचन क्रिया के लिए लाभदायक अभ्यास है। अब हम इसी आसन से अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्धउष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास के साथ थोड़ी देर के लिए आसन की अंतिम स्थिति में बने रहें। अर्धउष्ट्रासन कमर दर्द के बहुत लाभदायक आसन है, इसको ठीक करने के। अब श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। वज्रासन में बैठ जाइए। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास सही ढंग से नहीं आता है, वो सिर्फ दोबारा अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करें। अब घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाए। श्वास छोड़ते हुए दाई हाथ से दाई एड़ी और बाई हाथ से बाई एड़ी को पकड़ें। ये उष्ट्रासन की अंतिम स्थिति है। उष्ट्रासन मेरुदंड और कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दृष्टि दोष में भी ठीक करता है, दृष्टि में भी सुधार लाता है। अब श्वास भरते हुए वापस आए, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अगला आसन शशक आसन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे लाए। छाती और खुद्दी को जमीन से लगाए। ये शशकासन का अंतिम स्थिति है। शशकासन तनाव और घबराहट को कम करता है। श्वास भरते हुए वापस आए और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन।
दोनों घुटनों को फैलाई, श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, सिर को पीछे से दोनों हाथों को मोड़े, हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें, पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। यह उत्थान मंडूकासन की अंतिम स्थिति। उत्थान मंडूकासन पीठ एवं गर्दन दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आए, घुटनों को मिलाते हुए पहले जैसे स्थिति में आ जाइए। दंडासन, दंडासन में वापस आई, थोड़ी देर के लिए विश्राम। योग अभ्यास में कुछ आसनों का संगम करते हुए अभ्यास करने से जो प्रयोजन हमें दुगना हो जाता। अब वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन में बैठ जाइए, धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटने के पास रखें, अपने बाई हाथ को दाई घुटनों के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखें, श्वास छोड़ते हुए शरीर और सिर को दाई तरफ मोड़े, पूरा ट्विस्ट करें। वक्रासन मधुमेह के लिए उसका नियंत्रण में बहुत सहायक आसन है। अब श्वास भरते हुए शरीर को वापस ले आए, श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को सीधा करें। अब यह आसन बाएं तरफ से भी दोहराएंगे, धीरे से बाएं पैर को मोड़े, बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए, अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए, श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाई तरफ मोड़े, श्वास भरते हुए पूरा शरीर को वापस ले आए, श्वास छोड़िए, बाएं पैर को सीधा करें, थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अब हम पेट के बल लेकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। मकर आसन, पेट के बल ले जाइए, अपने दोनों पैरों के बीच दूरी बनाए, अपने सिर को हथेलियों पर रखें और विश्राम करें। मकर आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करें। दोनों पैरों के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़े और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखें, अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखें, श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाएं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आसन। यह आसन तनाव और कब्ज से राहत दिलाता है। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आए, मकर आसन में विश्राम करें। शलभासन का अभ्यास करेंगे। पुनः अपने पैरों को मिलाइए,
हाथों को झंगाओं के पास लाइए और खुद्दी को जमीन से लगाएं। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को उठाएं। शलभासन की अंतिम स्थिति। शलभासन सायाटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाएं, हाथों को भी वापस ले आए और मकरासन में थोड़ी देर के लिए विश्राम। अब हम पीठ के बल लेपित कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करें। पीठ के बल लेट जाके शवासन। अब हम सेतु बंध आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक लाएं। अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब एवं कमर को ऊपर उठाएं और फूल जैसी आकृति बनाने का प्रयास करें। मेक द बॉडी लाइक ए ब्रिज। सेतु बंधासन अवसाद की रोकथाम में बहुत सहायता करता है। अब श्वास छोड़ते हुए वापस आई, पीठ के बल थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। उत्तान पादासन। पैरों को मिलाए, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें, हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। उत्थान पादासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाएं और विश्राम करें। अगला आसन अर्धहलासन। दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को झंगाओं के पास रखें। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाएं और 90 डिग्री का कोण बनाएं। बहुत सुंदर। एक्सरे। इस अवस्था में नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रखें। अर्धहलासन उच्च रक्तचाप को दूर करने में बहुत लाभदायक अभ्यास है। अब श्वास छोटे हुए के धीरे से पैरों को वापस लाएं, थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाएं, घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंगाओं को सीने के पास ले जा। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं और अपनी टुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। पवन मुक्तासन अंतिम स्थिति। पवन मुक्तासन पाचन क्रिया में सहायकता प्रदान करता है। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को दोनों पैरों को वापस लाए, थोड़ी देर के लिए विश्राम। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। बहुत लोगों का इंतजार भी है। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियां आसमान की ओर खुली हो। आंखें बंद करें।
लंबा गहरा श्वास ले और धीरे से श्वास छोड़े। हाथों को जमीन पर रखे, हाथों को जमीन पर रखे। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखे और शिथिल भी हो जाए। आपका नाभि प्रदेश को देखें, श्वास के साथ आपका पेट ऊपर नीचे 27 बार 30 बार श्वास और प्रश्वास के साथ उदर चालन को निरीक्षण करते हुए शवासन में विश्राम करें। शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में बहुत लाभदायक आसन है। अब धीरे से बाएं ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाए। अब हम कपाल भाति के लिए तैयार हो जाए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, आंखों को बंद कीजिए, कमर और गर्दन सीधा रखें, हाथों की ध्यान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखिए। गहरी लंबी श्वास लेंगे और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ेंगे। एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। अब कपाल भाति का पहला चक्र शुरू करेंगे, 30 आवृत्तियां। गहरी श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव करें। कपाल भाति का दूसरा चक्र शुरू करें, 30 आवृत्तियां। अब तीसरा और अंतिम चक्र शुरू करें। गहरा सांस पूरी निशा कपाल भाति कफ विकारों को दूर करता है। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, नाड़ी शोधन भी कहते हैं। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बनाएं, दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं। दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास लीजिए। अब बाई नासिका को बंद करें, दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ी। अब दाहिनी नासिका से श्वास लीजिए धीरे से, बाई नासिका से श्वास छोड़ी।
ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है, ऐसे ही तीन चक्रों का पुनरावर्तन। अपनी श्वास धीमी गहरी और लयबद्ध, लेट द ब्रीथ डीप कंट्रोल एंड रेगुलेटेड ब्रीथिंग। अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। पाई नासिका से श्वास छोटे हुए वापस आए, थोड़ी देर तक के लिए विश्राम। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, जीभ को किनारों से मोड़ते हुए ट्यूब नुमा आकृति बनाएं, मेक इट लाइक ए ट्यूब। गहरी श्वास से और नासिका से धीरे से श्वास छोड़ें। यह अभ्यास तीन बार दोहराएं। शीतली प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन जैसे व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। विश्राम करें, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। आंखों को बंद रखते हुए हाथों की ध्यान मुद्रा बनाए रखें, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोटे हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन करें। श्वास लीजिए। फिर गहरी श्वास अभ्यास को दोहराइए। अब इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ दो बार करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण करें, पहला चक्र आरंभ करेंगे। श्वास लीजिए। सीधा रखिए और ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें। हाथों और कंधों को शिथिल करें, मेरुदंड को सीधा रखें। एक एक पढ़ाव, पहला पढ़ाव को शरीर को और संतुलित बने रहे। दूसरा पड़ाव श्वास धर, प्राण धर, श्वास और प्रश्वास। देखिए अंतर, प्रयास नहीं करना है। तीसरा पड़ाव मन में आए विचार भावों को एक बार देखिए।
एकाग्रचित से अपने अंतरंग को देखते हैं। हम नित्य है, सत्य है, मुक्त है, सच्चित आनंद स्वरूप है। शांत और संतुलित रखना है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के लिए प्रतिबद्ध। मैं सच्चित आनंद स्वरूप। इसी संकल्प के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं।